नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। जैस्मिन वसीम की मां को हॉस्पिटल में नहीं मिला बेड, जिस पर बहुत ही नाराज हुई जैस्मिन ने सिस्टम से पूछे कड़े सवाल। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तमाम लोगों को प्रभावित किया है। इस समय कई लोग बेड की तलाश में हैं, कई लोगों को बेड की दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग फेस करते नज़र आ रहे हैं। बेड मिल जाने के बाद भी लोगों की जंग जारी है, क्योंकि अभी भी काफ़ी मात्रा में ना तो किसी के पास सिलेंडर है और ना ही ज़रूरी दवाइयाँ। इन वजहों के चलते देश भर में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज़ को भी इन दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। हाल ही में संभावना सेठ को अपने पिता के हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था और अब जैस्मिन वसीम को भी ऐसी स्थिति में गुजरना पड़ रहा है। जैस्मिन वसीम ने सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र करते हुए सिस्टम से कई सवाल पूछे हैं। जैस्मिन वसीम ने जानकारी दी है कि उनके पिता पिछले दो दिन से उनकी मां के लिए हॉस्पिटल में बेड ढूंढ रहे हैं। जैस्मिन ने ट्वीट किया, निराश हूं और दिल टूट गया है। हर दिन लोगों की मौत हो रही है, लोग सड़कों पर आकर बेड और ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। दो दिन तक मेरी माँ भी इसी स्थिति से गुजर रही है, कई लोग इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जैस्मिन का ये ट्वीट। जैस्मिन ने एक और ट्वीट किया है और इसमें लिखा है, लोग अपनों को खो रहे हैं, हम किसे जिम्मेदार ठहराएं, क्या हमारा सिस्टम फेल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका दूसरा ट्वीट। वर्क फ्रंट की बात करें तो जैस्मिन और एलिगोरी का नया गाना तू भी सताया जाएगा हाल ही में रिलीज हुआ है। इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। फिलहाल वो अपनी माँ की तबीयत पर उन्होंने ट्वीट किया है और सिस्टम के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।